हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में आरटीपीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपका रिजल्ट अभी आ चुका है। हाँ जी दोस्तों, मैंने सही सुना, आपका आरटीपीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर का रिजल्ट गाइज अभी अभी हाल ही में जारी हुआ है। आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे, तो आपको वीडियो गाइज पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। मैं कुछ जैसे मना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है, ठीक है? हमको यहाँ पे गूगल में फिलअप करना है आरटीपीपी लॉगिन, ठीक है गाइस? इतना फिलअप करने में तो आपको सर्च पे क्लिक कर देना, तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। जब फ्रेंड्स आप सर्च पे क्लिक कर लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे लॉगिन आईटीबीपी रिक्वायरमेंट। आपको गाइस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। आईटीबीपी लॉगिन भरने के बाद गाइस गूगल में आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस ये आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट है। आपको साइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको फिलअप करना अपनी ईमेल आईडी। गाइस आपने जो फॉर्म फिलअप करवाते समय दी थी, आपको वही यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है? और गाइस अगर आप अपनी ईमेल आईडी भूल गए हो, अपने मोबाइल नंबर से अपनी ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो। जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है, जिनको पता नहीं है, आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा वीडियो के कॉमेंट में, ठीक है? मैं आपको आंसर पक्का दूंगा। और गाइस यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड, गाइज आपको ये कैप्चा कोड भी पक्का डालना है, और ध्यान रहे कि कैप्चा कोड सही डालें, वरना आपका ये ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फॉरगेट पासवर्ड का मतलब होता है कि आप अगर पासवर्ड भूल गए हो तो उसको आप रिकवर करना चाहते हो, या फिर अपना नया पासवर्ड बना सकते हो यहाँ से। अगर आप पे देखिए रिसेंट पासवर्ड, गाइज अगर अपना मतलब कि पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से रिसेंट से आप चेंज कर सकते हो। और फॉरगेट पासवर्ड का मतलब होता है कि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना या फिर पासवर्ड भूल गए हो, उसके लिए होता है ये फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जब लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया, ठीक है? फ्रेंड्स अगर आपने कोई आपके एडमिट कार्ड आने वाले होते हैं, ठीक, कई मेरे फ्रेंड्स के एडमिट कार्ड भी आते हैं हर चीज के लिए, तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड एडमिट कार्ड है, आपको ऊपर ही एडमिट कार्ड मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे आके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये सब करते हो आप अपना क्या कहते हैं डाउनलोड कर सकते हो, और आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो यहाँ से, देखिए गाइस, ठीक है? अपलोड डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, आराम से चेक कर सकते हो। माई एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो यहाँ से, देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे साइट पे आप जो डाउनलोड नहीं कर सकते, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है? और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, देखिए जैसे गाइस पीटी है, एनए लिखा है, पीएसटी एनए है, रिटर्न टेस्ट एनए है। गाइस अगर आपने मतलब फॉर्म फिलअप किया था, अगर आप पेपर देने गए थे, फिजिकल मेडिकल हो चुका है, मतलब फिजिकल हो चुका है आप, कैसे मेडिकल तो शायद बाद में होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देखिए पीटी पीएसटी है, पहले स्टार्टिंग में आपका पीएसटी था, फिर पीएसटी था, और फिर रिटर्न टेस्ट था, ठीक है? फिर आपका डॉक्यूमेंट अभी होना है बाद में, जो जो आपका अभी रिजल्ट आया रिटर्न टेस्ट का है। गाइस अगर आपने पेपर दिया था, अगर आप पास हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं आपके मार्क्स दिखाएगा, यहाँ पे देखिए स्टेज ऑफ वाइज मार्क्स यहाँ पे दिखाएगा, आपके मार्क्स दिखाएगा, आप पास हुए फेल हुए आपको पूरा दिखाएगा यहाँ पे, अगर आपने पेपर दिया है तो। गाइस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एबसेंट है दिखा रहे हैं, क्योंकि यार मतलब कि जो मेरा फ्रेंड्स है ये मतलब कि पेपर देने नहीं गया था, और ये फिजिकल में भी नहीं गया था, इसलिए यहाँ पे एबसेंट दिखा रहा है, ठीक है? अगर आप पेपर देने गए थे गाइज, आप इस साइट पे आके लॉगिन करके आराम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपके मार्क्स दिख जाएंगे, आपके पीएसटी के लिए आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, आपको आपको किस प्रकार से क्लिक करना है, कहाँ कहाँ क्लिक करना है आपको मैंने बता दिया आराम से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है? और फ्रेंड्स आप कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आप मुझे प्लीज बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साहब भाई क्या कहते हैं आईटीबीपी में लग जाएं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।